और मैं न्यूज एटॉक के लिए काम कर रही हूँ। आज हम एक खास मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं और वो खास मुद्दा ये है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा क्या बढ़ रहा है, हमारे देश में सबसे ज्यादा बढ़ रहे बलात्कार। अच्छा, ये बलात्कार का मुद्दा हमने आज क्यों उठाया है? वो इसलिए उठाया है क्योंकि आजकल हमारे देश में लड़कियों को खुल के चलने की आजादी नहीं है, अपने ढंग से कपड़े नहीं पहन सकते। क्यों? क्योंकि आस पड़ोस वाले लोग देख रहे हैं, बाकी सब लोग देख रहे हैं, सब हमको देख रहे हैं चलते फिरते हुए, सब हमको खेल समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं वो लोग खेल हमें? क्यों हम अपनी मर्जी से नहीं जी सकते? क्यों हम सड़कों पे इस तरीके के कपड़े पहन के नहीं चल सकते? क्यों हमें ये सोचना पड़ता है कि नहीं रात होने वाली है, हमें घर जाना है? ये सब ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है कि इसको हमें समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए, उन सबको समझना चाहिए जो इस कानून को लागू कर रहे हैं। अभी अभी हाल ही में पीएम ने और उनकी कमेटी द्वारा पॉक्सो एक्ट की शुरुआत की हुई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो एक्ट काम कर रहा है? अभी हाल ही में कठुआ गैंग रेप, उन्नाव गैंग रेप और अभी फिलहाल में 10 साल की एक बच्ची के साथ मदरसे के अंदर रेप, क्या आपको लगता है कि इसका अंत कभी होगा? मुझे तो नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये सरकार को चुनौती देने वाला काम है। ये जो बलात्कार कर रहे हैं ना, ये कोई आम बलात्कारी नहीं, ये वो बलात्कारी है जो सरकार को चुनौती दे रहे हैं, उन्हें घेर रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि आप हमारे लिए चाहे जितने भी कानून बना ले, हम उन कानूनों से डरने वाले नहीं हैं। आप चाहे जितने भी एक्ट ले आए, हम उनसे डरने वालों में से नहीं है। हम आपको वही करके दिखाएंगे जो हम कर सकते हैं। आज भी लोगों की वही मानसिकता है कि अगर लड़की सेफ रह सकती है तो सिर्फ अपने घर के अंदर, घर के बाहर नहीं। वो काम पे क्यों जाती है? वो घर क्यों नहीं संभालती? वो किचन क्यों नहीं संभालती? हम सिर्फ किचन संभालने के लिए नहीं, ये लोगों को समझना चाहिए कि हमारी मानसिकता इस तरीके की बन चुकी है। इन लोगों की अपनी मानसिकता ये बन चुकी है कि ये लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है कि क्या जरूरी है हमारे देश में कि लड़कियों को बंद कर ही रहना है, एक खूंटे से बांध कर रहना है? गाय भैंस है हम लोग, क्या है, जानवर है हम लोग? जानवर वो लोग हैं जिन्होंने इन लड़कियों को इस तरीके से समझ के रखा है, जिनकी मानसिकता खुद एक जानवर जैसी है, वो दूसरे को भी जान नहीं सकती। आज हमने ये मुद्दा इसलिए उठाया है क्योंकि लड़कियों का जीना बहुत मुश्किल हो गया है दिल्ली जैसे शहर में। क्यों? आखिर क्यों? ये सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि जिसका जवाब देना इतना भी आसान नहीं समझो। आज हम रोड पे चलते हैं या किसी भी लड़की से अगर आप पूछते हैं कि आज के हमारे कानून में क्या क्या बदलाव होने चाहिए, तो वो सबसे पहले एक ही बात बताती है कि लड़कियों को सुरक्षित, जो होता ही उन लोगों की मानसिकता को हमें पता चले। तो चलिए अब जरा आम जनता से भी पूछ लेते हैं कि उनकी इस पे क्या राय है। तो हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हैं जिनसे हम ये सवाल पूछेंगे कि क्या ये एक्ट काम कर रहा है या आगे करेगा। तो मैम ये जो अभी मोदी जी ने हाल फिलहाल में एक्ट तैयार किया है और उसमें ये दिया गया है कि 12 साल से कम उम्र की जो बच्चियां हैं जिनके साथ रेप हो रहे हैं उनको सजाए मौत मिलती है, लेकिन अगर जो उनसे बड़ी है उनको क्या ऐसा कोई एक्ट नहीं है, तो उसके आप ये तो मतलब टीनेजर्स के अबव जो गर्ल्स हैं वो अनसेफ तो हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है। और ये ठीक है, उन्होंने एक बच्चों को लेकर ये जो थिंकिंग है ये बहुत ज़्यादा एक हम कह सकते हैं कि अग्रेसिव टाइप हो जाता है, जो कि बहुत ही अनबिलीवेबल है, ठीक है। वो होना तो वो बहुत ही एक बहुत हार्श एक तरह से हम कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कंसिडर करना मेरे हिसाब से इतना एनफ है। मैंने भी हमेशा मतलब न्यूज़ को रिव्यू किया है, देखा है, इस केस को शुरू से पढ़ा भी है, तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसे नहीं होना चाहिए अगर हम देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे अगर अगर केवल हम एक पर्टिकुलर ही एज लिमिट को अगर हम सोच के चलते हैं तो फिर ऐसे लोग जो कि सोसाइटी को हमेशा मतलब कि गलत थिंकिंग से गर्ल्स को देखते हैं और ये वो, तो उनका जो इंक्लिनेशन है वो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो जो अच्छे मतलब 20 अबव जो गर्ल्स हैं उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर ऐसा गर्ल्स मतलब बच्चों के साथ होना तो बहुत ही बेकार है, लेकिन घर की साइड से अगर हम देखें तो अगर इक्वल अकॉर्डिंग टू मी इक्वल होना चाहिए, मतलब ऐसा भी नहीं है कि उन्हें उस साइड को आप रोक रहे हो कि नहीं ये अगर है तो हम मतलब बहुत ही एक एक्शन लेंगे आपके खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम
फिर उनको एक तरह से दूसरे एज ग्रुप के लिए हम फ्री छोड़ते हैं कि मतलब हम फ्री हैं, तो वो फिर इधर की ओर उनका थोड़ा इंक्लिनेशन ज़्यादा रहेगा। तो ऐसा है कि हमें अगर सोचना है तो दोनों तरफ बैलेंस करके सोचना है, क्योंकि जो गर्ल्स हैं खासकर हमारे एज की, वो भी अपने आप को बहुत ज़्यादा अनसेफ फील कर रही हैं आजकल। तो आपको लगता है जो मोदी सरकार ने जो बनाया है फैसला, जो एक्ट बनाया है, उसमें बड़ी लड़कियों को जो 12 साल से बड़ी हैं उनके लिए उनको भी इंक्लूड करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो इंक्लूड करना चाहिए, अदरवाइज इसका रिजल्ट फिर और भी थोड़ा हार्श हो सकता है सोसाइटी में, क्योंकि ऐसे लोगों को हमें रोकना है। अभी तक तो कोई रूल नहीं था, रेगुलेशन नहीं था, जिनकी वजह से उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई। लेकिन अगर हम अभी भी अगर नहीं सोचते हैं, अभी भी हम उनके खिलाफ अगर कुछ एक्शन नहीं लेते और केवल ये कह देना कि हम उन्हें हैंग कर रहे हैं, केवल फांसी दे रहे हैं, ये इट इज़ नॉट, मेरे अकॉर्डिंग ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके अलावा मतलब हमें उन्हें बहुत जल्दी, और ये जो हमारे यहाँ थोड़ा ये डिले वाला प्रोसेस होता है कि हो जाएगा कभी हो जाएगा, ऐसा करके ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है। तो अगर जो मेन होना है वो ये है कि आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, और विद इन 24 आवर्स अगर कुछ है तो हमें बस उन्हें नॉन बिलेबल अरेस्ट भी करना होगा। इन्होंने बोला है कि इनके अकॉर्डिंग ये एक्ट जो है 12 साल से ऊपर की लड़कियों के साथ भी लागू होना चाहिए। चलिए औरों से भी रिव्यू ले लेते हैं। सर, अभी जो सरकार ने एक कानून पारित किया है जिसमें 12 साल से कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनके साथ अगर बलात्कार होता है तो उन्हें सजाए फांसी होती है, तो लेकिन उसमें बड़ी लड़कियों को जो 12 साल से ज्यादा की उम्र की है उनको इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, ये एक पहला है। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये कानून आने के बाद भी अभी देश में बलात्कार जारी है, अभी हाल फिलहाल में एक 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। इसके लिए आपको क्या लगता है कि सरकार का ये कदम कितना कारगर है, चल रहा है या नहीं? अभी तो सरकार ने इंप्लीमेंट किए हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये कदम बहुत अच्छा है। और जनरली जो कम उम्र के बच्चे से अत्याचार हो रहा है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा कदम है कि उनको फांसी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो 12 साल से बड़ी उम्र की लड़कियां हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए? हाँ, नहीं, लेकिन इस फैसला से क्या होगा, उसका इम्पैक्ट उनको ऊपर भी पड़ेगा, उनको भी तो सजा हो रही है। लेकिन नाबालिग है, उसको पता नहीं है व्हाट इज रेप, लेकिन उनके लिए तो फांसी होना चाहिए। तो अभी एक 10 साल की बच्ची के साथ, गाजीपुर की एक बच्ची है जिसके साथ अभी रेप हुआ है, मदरसे के अंदर उसके साथ रेप किया गया है। तो अभी जो कटुआ आपने गैंग रेप सुना होगा वो कहा जा रहा है कि मंदिर के अंदर वो रेप हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये मिला जुला हो सकता है? नहीं, देखिए, जो भी इस टाइप का दुर्घटना होती है वो दुर्घटना ही होती है, इसके लिए तो सजा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और अप्रोप्रिएट जो कल्प्रिट है उसको तो दंड मिलना ही चाहिए, वो भी फांसी। कहना है कि फांसी की सजा बिल्कुल सही है, सरकार ने जो भी एक्ट बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है, लेकिन अब तक हमें इस चीज़ का जवाब नहीं मिला है कि 12 साल से उम्र की जो लड़कियाँ हैं या उनसे उम्र की जो बच्चियाँ हैं उनको इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया जा रहा है। आइए थोड़ा बहुत और पूछ लेते हैं कि किसी से अगर कोई देना चाहते हैं तो आप हमें बताएंगे, अभी जो बच्चियाँ जैसे आप ऑफिस से बाहर आते जाते हुए देखते हैं बच्चियों को, वो लोग रात को भी अपने घर जाती हैं, काम से लौटती हैं, और आजकल बलात्कार की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तो सरकार ने उसके ऊपर कानून बनाया है, तो क्या आपको लगता है कि वो कानून काम करेगा या नहीं? इसकी वजह क्या है, यहाँ जो हमारी नेता बैठे हैं, नेता बैठे हुए, हमारे नेता ही नहीं चल रहे। जब नेता ही सही हो जाए, अफसर सही होगा तो वर्कर अपना आप चलेगा। तो अभी आपको लगता है अभी हाल फिलहाल में अभी नोएडा की एक घटना, ये ठीक है जो नियम बना दिए गए ये सही है, नियम कानून के लिए नियम कानून ये सही है, लेकिन ये नियम कानून सबकी नेता नहीं है, नेताओं की नेता नेता गरीबों के लिए ज्यादा क्यों है इनको? अरे तो पैसा नहीं देखे से स्कूल जाते, खाना पी जाता, उसके परिवार को खुद बंद कर देते हैं हमारे आपके सामने, तो और कुछ नहीं, विश्वास नहीं है। तो आपको लगता है कि ये कानून काम नहीं करेगा? यह काम नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा।
यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको लगता है कि ये कानून काम नहीं करेगा। उसके पीछे की वजह ये है कि कानून में पारित होना या ना होना एक वजह मानी जा सकती है, जिसमें हम आए दिन रेप की खबरों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं अखबार में, एक पूरे लंबे चौड़े अखबार में एक खबर ऐसी होती ही है जहाँ पे बच्चे के साथ या बड़ी के साथ बलात्कार की खबर आती ही आती है। अब देखना ये है कि सरकार इसको लेकर और कितना जागरूक होती है और हमारे देश की बच्चियाँ कितनी सेफ रहती हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब तैयार रहिएगा।